उत्तर प्रदेश के उन्नाव गैंगरेप से जुड़ी हुई उन्नाव रेप पीड़िता की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। जो इस वक्त जानकारी आ रही है उसके मुताबिक उन्नाव की विक्टिम, उन्नाव की पीड़िता दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में वेंटिलेटर पर है। कल रात एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाई गई थी। 90% पीड़िता जल चुकी है और ऐसे में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टरों की पूरी टीम उसे बचाने की कोशिश में लगी हुई है। दरअसल 5 आरोपियों ने इस युवती को जिंदा जला दिया था। पहले बलात्कार किया और उसके बाद में जब कोर्ट जाने के लिए युवती निकली थी उसी बीच में उसे जिंदा जला दिया गया। 90% से ज्यादा जल चुकी है पीड़िता। कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सारा इलाज का खर्च सरकार उठाएगी और फिर एयरलिफ्ट के जरिए दिल्ली तक उसे लाया गया। ये कुछ इस तरीके से एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, ताकि उसे अस्पताल से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने में दुश्वारी ना हो, देरी ना लगे, और फिर लखनऊ एयरपोर्ट से दिल्ली लाया गया और तब से अस्पताल में इलाज इस पीड़िता का चल रहा है।